मेरा यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप सबको दिखाऊंगी पीवर की ओढ़नी भी गोटा कैसे लगाया जाता है। मैंने देखो ये रहा पीवर का ओढ़ना, मतलब कॉटन की ओढ़ने से थोड़ा सा इसमें अलग रहता है क्योंकि ये सिल्की रहता है, कॉटन की थोड़ा आसानी से लग जाता है मतलब, और इसमें थोड़ा सा रहता है कि क्योंकि गोटा लगाने से पहले जो ये ना ये बीच में ये सिलाई की हुई ये होती ना, इसका एक स्टिच और करनी पड़ती है इस पर क्योंकि ये बहुत अच्छी सिलाई आती है। और तो ये दो किनारे होते हैं ओढ़नी के, एक छोटे वाली पट्टी होती है एक बड़ी वाली पट्टी होती है। तो सबसे पहले बड़ी वाली पट्टी की लगाते हैं। स्टार्ट करते हैं गोटा लगाना। तो गोटे को हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे और बीच में ओढ़नी की किनारी को रखेंगे। और इसमें ना सिंगल धागा रहता है तो सिंगल धागा मैंने सुई में पिरो लिया है। और करते हैं स्टार्ट स्टिच करना। तो देख सकते हैं मैं नीचे से निकाल के ऊपर की तरफ सुई को ला रही हूँ और अच्छे से गोटे के बीच में इस ओढ़नी को रखना है जिससे वो ओढ़नी बार बार बाहर नहीं निकले। देखिए किनारी को अच्छे से के अंदर रखना है क्योंकि प्योर के ओढ़ना सिल्की होता है तो बार बार बाहर की तरफ आता है तो गोटा सही नहीं लगता है। तो किनारी को हम अच्छे से गोटे के बीच में रख के स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए नीचे से सुई को निकाल के ऊपर की तरफ लाना है और ऊपर की जो स्टिच होती है वो बारीक होती है और पीछे की तो मोटी होती है, पर ऊपर की वाली स्टिच जो दिखती है इसलिए वो हल्की हल्की लेनी पड़ती है। तो देख सकते हैं मैं किस प्रकार से गोटा लगा रही हूँ। ओढ़ना प्योर का होता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए कॉटन का ओढ़ना मतलब जल्दी लगता है कॉटन की ओढ़ने में गोटा। तो यहाँ पे हल्के हल्के हाथ से लेना है कि सलवट नहीं आए गोटे में। तो देख सकते हैं मैं कैसे लगा रही हूँ, इतना लग चुका है। इसी प्रोसेस से हम आगे बढ़ते रहेंगे। प्योर की ओढ़ने में बस यही होता है कि वो छूटने का डर रहता है कि अच्छे से गोटा नहीं लगता, बस उसको अच्छे से किनारे को दबा के सुई से फिर स्टिच करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए पीछे की तरफ और आगे की तरफ कितनी अच्छी स्टिच आ रही है, तो बस इसी अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। जब धागा खत्म हो जाता है तो कोई कोई धागे को ऐसे छोड़ देता है, तो ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए मैं किस प्रकार से यहाँ पे एक नोट लगा रही हूँ। यहाँ पे नोट लगाने के बाद यहाँ से धागे को कट कर देंगे और फिर यहीं से वापस स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। देखिए बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि नोट भी लगाई हुई है क्या, हल्की हल्की लगानी है। यहाँ से वापस स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे धागे को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो फिर बार बार गोटा निकलता रहता है। देखिए हम एक किनारे पर आ चुके हैं। तो प्योर की ओढ़नी में ना जो कॉर्नर होता है वो उसको बनाना भी बहुत मुश्किल होता है, तो बस मैं वो भी बताऊँगी। देखिए गाइस मैंने यहाँ से ओढ़नी को थोड़ा सा फोल्ड किया है और उसी प्रकार से स्टिच करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। बस ओढ़नी में सफाई आनी चाहिए क्योंकि अच्छे से दबा के किनारी को। अब देखिए यहाँ मैं कॉर्नर बना रही हूँ, बहुत आसान है। किस प्रकार से मैंने गोटे को थोड़ा मोड़ दिया है, बाकी वही प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ। देखिए इसकी फिनिशिंग आना भी बहुत ज़रूरी है गोटे में कॉर्नर की। तो देखिए कॉर्नर बन चुका है और उसी अकॉर्डिंग हम आगे स्टिच कर लेंगे। कॉर्नर बन चुका है और जैसे अपन कॉटन की ओढ़नी की गोटा लगाते हैं सेम उसी अकॉर्डिंग इस ओढ़नी की भी गोटा लगता है। थोड़ा ये धीरे धीरे लगता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है प्योर की ओढ़नी में, लेकिन पूरी वैसे प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम गोटा लगाते हैं। तो लास्ट का जो कॉर्नर होता है वो बताती हूँ कि कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे गोटे को मैंने कट कर लिया है, थोड़ा एक्स्ट्रा कट करेंगे क्योंकि आगे से फिर उसको थोड़ा फोल्ड करना रहता है जिससे गोटा अच्छे से सेट हो जाए, निकले नहीं मतलब ख़राब नहीं हो। तो जो ओढ़नी होती है उसको बीच में अच्छे से करके वापस वही स्टिच कर देंगे। देख सकते हैं आप मैं कैसे कर रही हूँ। लास्ट तो हम लास्ट का कॉर्नर भी अच्छे से बना लेंगे क्योंकि गोटा यहाँ से निकले नहीं, ओढ़नी को अच्छे से दबा के। तो देखिए लास्ट का कॉर्नर भी बन चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये हमारा गोटा कंप्लीट है। देखिए